भारत में रहकर पाकिस्तान का राग अलापने वाले, भारत का खाने और अलगाववाद का समर्थन करने वाले, भारतीय सुरक्षा कर्मियों के सुरक्षा घेरे में महफूज रहकर सेना को कोसने वाले कश्मीरी अलगाववादी नेताओं को करारा सबक दिया गया है। पुलवामा में हुए आतंकी हमले के बाद सरकार ने अगर पाकिस्तान को दुनिया के सामने बेनकाब करने, अलग थलग करने के लिए कदम उठाए हैं तो देशद्रोहियों के खिलाफ दबाव बढ़ा दिया है। डिपार्टमेंट के एक प्रेस रिलीज के मुताबिक रियासत जम्मू कश्मीर में पहले ही सेपरेटिस्ट लीडरों से सिक्योरिटी वापस ले ली गई है और इन 5 सेपरेटिस्ट लीडरों के बाद अब ये जो दायरा है ये मेनस्ट्रीम लीडरशिप तक भी पहुंच चुका है। दरअसल 155 से ज़ायद मेनस्ट्रीम लीडरान जो मुख्तलिफ पार्टियों को रियासत जम्मू कश्मीर में रिप्रेजेंट करते हैं उनकी भी सिक्योरिटी आज रियासी सरकार ने हुक्मनामे के साथ ही वापस कर दी गई है। सरकारी सुरक्षा के दायरे में रहकर आतंकियों की भाषा बोलने वाले हुर्रियत के कट्टरपंथी गुट के चेयरमैन सैयद अली शाह गिलानी समेत 18 हुर्रियत नेताओं को बड़ा झटका देते हुए जम्मू कश्मीर प्रशासन ने इनकी सुरक्षा वापस ले ली है। राज्य के 155 राजनीतिक नेताओं और कार्यकर्ताओं की सुरक्षा भी घटा दी है। 3 दिन पहले जम्मू कश्मीर प्रशासन ने हुर्रियत के उदारवादी गुट के चेयरमैन मौलवी मीरवाइज उमर फारूक समेत 5 अलगाववादियों की सुरक्षा भी वापस ले ली थी। सरकार ने देर से ही सही अब ये समझा है कि कश्मीरी अलगाववादी नेताओं को सुरक्षा देना पुलिस संसाधन को व्यर्थ करना है। कश्मीरी अलगाववादी नेताओं की सुरक्षा हटाकर केंद्र सरकार ने संकेत दे दिया है कि हुर्रियत नेताओं के प्रति नो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी। इनमें से कुछ के नाम टेरर फंडिंग मामले में NIA की चार्जशीट में भी दर्ज है और कोर्ट में केस चल रहा है। एक हुर्रियत नेता के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस भी चल रहा है जिसकी जांच ED कर रही है। कश्मीर को लेकर आत्मनिर्णय की मांग करने वाले हुर्रियत नेताओं की पाक परस्ती किसी से छुपी नहीं है। ऐसे में भी PDP नेता और पूर्व CM महबूबा मुफ्ती जैसे लोग हैं जो पाकिस्तान को एक और मौका देने की बात करते हैं। खैर मेरा ये मानना है कि जंग तो दो में से कोई मुल्क इसे कुछ अफोर्ड नहीं कर सकता है क्योंकि आजकल के ज़माने में ये जो 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 जंग की बात है ये अनपढ़ और गवार लोग कर सकते हैं। जब पूरा देश पुलवामा हमले के बाद उबल रहा है महबूबा का बयान जख्मों पर नमक का काम कर रहा है। ऐसे में उन्हें तीखा जवाब मिलना ही था। देखिए मैं महबूबा मुफ्ती को केवल इतना ही कहना चाहूँगा वो पाकिस्तान प्रेम करना छोड़ दें। भारत का खाती हैं, भारत का गायें, आस्तीन का सांप ना बने। आपके लिए जानना जरूरी है कि कश्मीरी अलगाववादी नेताओं की सुरक्षा पर कितना खर्च होता है। 1 अप्रैल 2015 को जम्मू कश्मीर सरकार ने विधानसभा में जानकारी दी थी कि राज्य के 1472 नेताओं पर 506.75 करोड़ रुपए पिछले 5 साल में खर्च हुए। 2010-11 में ये रकम 85.95 करोड़, 2011-12 में 93.70 करोड़, 2012-13 में बढ़कर 101.06 करोड़ और 2013-14 में 107.06 करोड़ खर्च हुई। इस खर्च में पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर और गार्ड्स का वेतन, सिक्योरिटी में लगे वाहन के फ्यूल पर खर्च शामिल है। फरवरी 2018 में जम्मू कश्मीर की तत्कालीन मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने विधानसभा को जानकारी दी कि पिछले 10 साल में केवल हुर्रियत नेताओं की सुरक्षा पर ही करीब 11 करोड़ रुपए खर्च हुए। महबूबा ने 2008 से 2017 के बीच 14 हुर्रियत नेताओं की सिक्योरिटी और सुरक्षा में लगे वाहनों के फ्यूल पर 10.86 करोड़ का खर्च बताया था। इन अलगाववादी नेताओं की सुरक्षा में 100 से ज्यादा गाड़ियां लगी थी। इसके अलावा 1000 पुलिसकर्मी इन नेताओं की सुरक्षा में लगे थे। इनमें से ज्यादातर अलगाववादी नेताओं को जम्मू कश्मीर प्रशासन की तरफ से Z कैटेगरी की सिक्योरिटी दी गई थी। सरकार के कड़े फैसले से पाकिस्तान के साथ साथ अलगाववादी नेता भी बौखलाए हुए हैं। अपने बयान में उन्होंने कहा है कि सुरक्षा वापस लेने के फैसले से ना तो अलगाववादी नेताओं के रुख में बदलाव आएगा और ना ही इससे जमीनी हालात पर कोई असर पड़ेगा। लेकिन इसमें दो राय नहीं कि सरकार के इस फैसले से कश्मीरी अलगाववादियों पर खर्च होने वाले टैक्स पेयर की गाढ़ी कमाई का पैसा बचेगा, साथ ही अलगाववादी